नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और आज देश के आम चुनाव का पहले चरण का वोटिंग हो रही है। उसके साथ साथ कई जगह पर तमाम पार्टियों के लोग अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपने अपने नामांकन भर रहे हैं और उसी कड़ी में आज अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उससे पहले उन्होंने बूढ़नबाई माई मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, फिर भाजपा कार्यालय में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद एक रोड शो किया जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की नींद उड़ाने वाला था और उसके साथ साथ उसकी मां सोनिया गांधी को भी डराने वाला था। वजह यह है कि आज सोनिया गांधी ने भी रायबरेली में रोड शो किया, लेकिन उस रोड शो में उतनी भीड़ नहीं थी और ना ही राहुल गांधी ने जो अमेठी में रोड शो किया था, उन दोनों रोड शो में जो भीड़ थी उससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़ आज स्मृति ईरानी के 4.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में आई थी, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा सरदर्द देकर चली गई है। दरअसल इस रोड शो में स्मृति ईरानी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और स्थानीय विधायक भी थे, तमाम कई नेता थे। लोगों का उत्साह देखते बनता था। उसके बाद उन्होंने जब वो कांग्रेस कार्यालय के सामने से निकले तो वहाँ लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने आज कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो 3 बार अमेठी का सांसद रहा है, वो अमेठी के साथ न्याय नहीं कर पाया, अमेठी के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया। अमेठी की सीट गांधी परिवार के पास बहुत दिनों से है, लेकिन इन लोगों ने इसके साथ न्याय नहीं किया। ये वही राहुल गांधी है जो न्याय योजना के नाम पर देश के गरीबों को झांसा देने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति 15 साल सांसद रहने के बाद लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता, अपने मतदाताओं के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो देश के बागी लोगों के साथ क्या न्याय करेगा, ये स्पष्ट हो जाता है। सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला और इस हमले की आंच राहुल गांधी तक पहुंच गई और उसके बाद राहुल गांधी इतने बौखला गए कि वो मीडिया के सामने बात करते हुए आज फिर से अपना टेप रिकॉर्डर खोल दिया। उन्होंने राफेल का टेप रिकॉर्डर, अंबानी का टेप रिकॉर्डर और चौकीदार चोर है का नारा देकर उन्होंने चैलेंज किया, जो चैलेंज वो पिछले बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और बड़े पहलवान का नाम सुनता है, फेमस होने के लिए वो गली गली चिल्लाता फिरता है कि वो इतना ही बड़ा पहलवान है तो मुझसे कुश्ती लड़के दिखाए। उसको पता होता है कि बड़ा पहलवान उस छोटे बच्चे से कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आएगा और इसी बहाने उसको चर्चा मिल जाएगी। यही खेल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर मुझसे बहस करके दिखाएं, मुझसे राफेल के ऊपर बहस करके दिखाएं और मैं सिद्ध कर दूंगा कि चौकीदार चोर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटवैया नेता भी राहुल गांधी को सीधी बहस में हराने की कुव्वत रखते हैं। ये राहुल गांधी और उसके सलाहकार अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि राहुल जो बोलते हैं वो एक रटा रटा हुआ स्टेटमेंट होता है। अभी जब पिछले दिनों कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला कि जब उनसे सीधे सवाल किए जाते हैं तब वो बार बार एक ही सवाल दोहराते हैं, मैंने ये बता दिया है राफेल में ये हुआ है, राफेल में वो हुआ है। तो खैर, आज उनकी बौखलाहट पूरी तरह से चरम पर थी और इसका एक और नमूना तब देखने को मिला कि जब कांग्रेस कमेटी के ही एक फोटोग्राफर की लाइट उनके कान के ऊपर पड़ी और कांग्रेस ने इसको सुरक्षा का मुद्दा बनाकर गृह मंत्रालय तक में रिपोर्ट कर दिया, गृह मंत्रालय से शिकायत कर दिया कि राहुल गांधी पर लेजर गन से हमला करने की कोशिश की गई है, इसलिए कार्रवाई की जाए। जबकि बाद में खुलकर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल फोटोग्राफर था वो
अपने मोबाइल कैमरे से फोटो ले रहा था और उसी की लाइट राहुल गांधी के कान पर पड़ी थी। एसपीजे ने स्पष्ट किया कि कोई किसी तरीके की सुरक्षा चूक नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ये बौखलाए हुए हैं, ये हर हालत में चर्चा में बने रहना चाहते हैं और उस चर्चा के बहाने प्रचार पाना चाहते हैं। जैसा कि अमेठी के अंदर राहुल गांधी ने अपने चुनावी रोड शो में किया था कि 72,000 का एक नीला झंडा भी इन्होंने बनाया था कि 72,000 देंगे, वही काम आज फिर सोनिया के रोड शो, उस रोड शो के दौरान और उसके नामांकन के समय हुआ। लेकिन एक बात थोड़ी सी बदली हुई थी कि आज पूरा वाड्रा परिवार सोनिया के साथ नहीं था, जबकि राहुल के साथ पूरा वाड्रा परिवार था, यानी कि आज रॉबर्ट वाड्रा तो था लेकिन बाकी उसके बच्चे नहीं थे, राहुल गांधी भी था, सोनिया गांधी भी थी। तो रॉबर्ट वाड्रा को साथ लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि वाड्रा ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, जो जमीनें उसने हड़पी हैं वो उसका पुश्तैनी हक बनता है क्योंकि वो राष्ट्रीय गांधी परिवार का दामाद है और दामाद को कुछ भी गलत करने का अधिकार होता है, ऐसा कुछ लोगों की समझ रहती है। कहा जाता है कि जो गांव का दामाद होता है या परिवार का दामाद होता है वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, उसको कोई अपराध नहीं माना जाता है। यही बात मानकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने अपने नामांकन के समय रॉबर्ट वाड्रा को साथ रख रहे हैं, बोले जी कि दामाद के जो भी अपराध हैं उनको जनता को स्वीकार करना चाहिए, यही वजह है कि बार बार दामाद नजर आ रहा है। एक और बात कि अभी तक जो 3 बजे तक का इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट आया है उत्तर प्रदेश के लिए इलेक्शन के बारे में, उसमें यह कहा गया है कि करीब करीब 50% एवरेज 50% का मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, जिनमें सहारनपुर पर 54% हुआ है, कैराना पर 52.4%, मुजफ्फरनगर में 50.6%, बिजनौर में 50.8%, मेरठ में 51%, बागपत में 51.20%, गाजियाबाद में 47% और नोएडा की जो सीट है उस पर भी करीब करीब 50% मतदान हुआ है। जबकि देश के बाकी हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, उड़ीसा में भी भारी मतदान हो रहा है, असम में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है, बाकी जो और जगहों पर साथ साथ चुनाव हो रहा है वहाँ अच्छे खासी तादाद में जो परसेंटेज है चुनाव के अभी तक की वोटिंग की वो बहुत ज़्यादा है, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जनता इस बार वोट जो कर रही है वो पूरी ताकत लगा के वोटिंग कर रही है। और अभी करीब 2 घंटे बाकी हैं चुनाव का वोटिंग समाप्त होने में, तो समझा जा सकता है कि ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 70% तक जा सकता है। वोटिंग परसेंट तब बढ़ता है, 2 वजह होती है, या तो सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही हो या फिर किसी लहर के तहत वोटिंग हो रही हो। तो सरकार के खिलाफ वोटिंग का सवाल तो इसलिए थोड़ा सा नाजुक हो जाता है कि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की, पाकिस्तान को डर लगा और उसके बाद पूरी तरीके से देश एकजुट हुआ राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, उससे देखते हुए ये लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोग जोश के साथ वोटिंग कर रहे हैं और वो किसी भी झांसे में आकर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झांसे में अगर वोटिंग हो रही होती तो वो एक तरफा वोटिंग होती, लेकिन अभी जो है वो कांटे की टक्कर हो रही है, यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और उसकी जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा तसल्ली देने वाली हैं। हालांकि एक जगह ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर लोग बिना वोटर आई कार्ड के वोटिंग करने चले गए और उसके बाद जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद बीएसएफ ने हवाई फायर करके उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये अराजकता वाला माहौल पैदा करने की कोशिशें सख्ती से निपटी जाएंगी, बूथ कैप्चरिंग वाला जमाना बीत चुका है, उसके बाद लोग वहाँ पर शांत हो गए। तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है। रायबरेली में जब सोनिया गांधी भी अपने बेटे के बात बोलने के लिए उतरी तो उन्होंने एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 को आपको याद करना चाहिए, मतदाताओं से उन्होंने याद दिलाया कि वाजपेयी जी सोचते थे कि वो अपराजेय हैं लेकिन हमने उन्हें 2004 में हराया था, तो इस बार भी हम 2019 में हरा सकते हैं।
लेकिन अगर इसी बात को दूसरे तरीके से देखा जाए तो जब सोनिया खुद कह रही है कि कोई भी अपराजेय नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे हराया नहीं जा सकता, तो क्या सोनिया गांधी अपनी हार का संकेत दे रही है कि वो बार बार जीतने वाली कांग्रेस रायबरेली से हार सकती है? क्योंकि जिस तरीके से वहां का माहौल है, और अगर लोगों ने अंतिम समय पर सोनिया के प्रति सहानुभूति के नाम पर वोट नहीं दिया, मजहब के नाम पर वोट नहीं दिया, तो शायद राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी रायबरेली से हार भी सकती है, जिसका संकेत उसने बातों बातों में देने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी दावे करके चल रही है कि रायबरेली और अमेठी की सीटें कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जीत रही है, लेकिन हम चूंकि खुद जाकर रायबरेली और अमेठी में हमने 4 महीने पहले वहां सर्वे किया था, जिसके बाद पूरे देश में बड़ी बड़ी खबरें चली, हमारे वो जो वीडियो थे वो करोड़ों लोगों ने देखे थे, क्योंकि हमने वहां ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी। और हमने जब वहां पर हिंदू मुसलमान सभी से बात की तो मुसलमानों ने भी दबी जुबान में ये स्वीकार किया था कि सोनिया ने यहाँ काम नहीं किया है, जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर भी उनका ध्यान नहीं जाता है, वो यहाँ पर आकर लोगों के साथ संपर्क नहीं करती है। 5 साल में मुश्किल से 5 बार सोनिया गांधी यहाँ आई है। इस वजह से अभी जब सोशल मीडिया का इतना दबदबा चल रहा है, लोगों के पास हर जानकारी उनके मोबाइल में उपलब्ध है, बाकी जगहों की जानकारियां उनके पास उपलब्ध हैं, तो वैसी स्थिति में अगर ये कहा जाए कि सोनिया वहां से रायबरेली से हार भी सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब इस देश का मतदाता जो है वो 70 साल में बहुत बदल चुका है, और वो पल पल की खबर रखता है, हर खबर की तस्दीक करता है। हालांकि बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े चैनल तो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी वहां से जीत रही है, राहुल गांधी अमेठी से जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से पर्चा भरा है उससे भी स्पष्ट हो गया है, और जिस तरीके का बयान आज सोनिया गांधी ने यह कहकर दिया कि 2014 या 2004 याद कीजिए, वाजपेयी जी के ज़माने में लोग सोचते थे वो हारेंगे नहीं, लेकिन वो हारे थे, तो शायद लगता है कि सोनिया को अपनी हार पर भी थोड़ा बहुत, और आज जिस तरीके से स्मृति ईरानी के रोड शो में भीड़ पहुंची है और माँ बेटे के रोड शो में जो भीड़ नहीं पहुंची उससे कई गुना ज़्यादा है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस आज फिर सोचने पर मजबूर हुई है कि अब क्या नई रणनीति अपनाई जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी के इस रथ को रोका जा सके। देखते हैं अब कांग्रेस आगे क्या कहती है, क्योंकि जिस तरीके से बौखलाहट है उन दोनों माँ बेटों के चेहरे पर, वो तो स्पष्ट दिखा रहा है कि वो एक नई और चाल चलेंगे, जैसा चाल है वो चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक पेपर एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रक्रिया जारी की, तो उस पर उन्होंने गलत तरीके से व्याख्या करके आरोप लगाने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री पर, जिसका करारा जवाब कल प्रधानमंत्री ने दिया था, और आगे भी इसी तरीके से उनको जवाब मिलने वाले हैं, इसकी उम्मीद देश के मतदाता कर सकते हैं, देश के लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।